का अधिकार है कि वो जाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करे, और ये तीनों मंदिर तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यात्रा होगी। ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती। ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें। उनको परमिशन मिलती है तो तारीख भी हम तय करेंगे, जगह भी हमारी होगी और तारीख भी हमारी होगी। नमस्कार, टाइम साउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हरियाणा के नू में तनाव पार्ट टू होने जा रहा? बिना इजाजत हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हैं, ऐसे में प्रशासन की तैयारी क्या है और पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? क्या सावन के आखिरी सोमवार के दिन सुरक्षा बलों के लिए टेंशन भारी है? 31 जुलाई को हरियाणा के नू में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। बड़े पैमाने पर हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में फैली, तब ब्रजमंडल शोभा यात्रा पूरी नहीं की गई थी। अब हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से कल यानी सावन महीने के आखिरी सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकालने का फैसला किया है। वीएचपी का कहना है कि यह तीर्थ यात्रा है और इसके लिए परमिशन की जरूरत है। वीएचपी दावा कर रही है कि यह यात्रा जरूर निकलेगी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वीएचपी का यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है। श्रावण माह का ये आखिरी सोमवार बहुत महत्व रखता है और इसलिए हर हिंदू का अधिकार है कि वो जाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करे, और ये तीनों मंदिर तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यात्रा होगी। हाँ, ये जरूर है कि G20 और वहां जो प्रशासन सारा कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहा है उसमें कहीं बाधा ना बने, इसलिए उसके आकार पर, उसके स्वरूप पर ये चर्चा करने के लिए हम अब भी स्वतंत्र हैं, लेकिन यात्रा होगी। सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 28 को ही यानी श्रावणी मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी, और इस यात्रा के लिए चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती, ये तीर्थों का देश है और इसमें कोई परमिशन न किसी ने सीख की है और इसके डिनाइल का कोई प्रश्न नहीं है। हमें आशा है कि शासन प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठाते हुए और तीर्थ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालने देगा। यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नू में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा गया है ताकि किसी तरीके की अफवाह न फैले। SMS सेवा को भी बंद किया गया है। पूरे इलाके में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सरकार का दावा है कि वो तैयार है। हालांकि सरकार ने शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी है, लेकिन वीएचपी कह रही है कि तीर्थ यात्रा के लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं है। सरकार का कहना है कि लोग अपने आसपास ही मंदिरों में जलाभिषेक करें। सुनिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है तो वहाँ की लाइन डॉट की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और हम आपसे जो है समझा बुझाकर सब कुछ कंट्रोल करने के लिए अपने वो प्रयास भी जारी है, और इसके अलावा लाइन ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट का भी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करके रहे। कल को लेकर आशंकाएं कई हैं, लेकिन इस बीच यात्रा होने से पहले ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अभी इस यात्रा को निकालना सही नहीं है। सुनिए। देखिए, प्रिकॉशनरी इस वक्त इस यात्रा को नहीं निकलना चाहिए। हालात पहले नॉर्मल हो, हिंदू मुसलमान भाई आपस में बैठे मिलजुल के बात करें और हिंदू मुसलमान भाई फिर इस यात्रा की हिफाजत करें। उधर किसान नेता राकेश टिकैत अलग तेवर में नजर आए, धमकी देने पर उतारू हो गए। धमकी दे रहे हैं कि अगर इस यात्रा को परमिशन दी जाती है तो किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तारीख और जगह भी वही तय करेंगे।
अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा निकलती है, उनको परमिशन मिलती है, तो तारीख भी हम तय करेंगे, जगह भी हमारी होगी और तारीख भी हमारी होगी। लेकिन इन सबके बीच 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अब कांग्रेस विधायक मामन खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मामन खान को नोटिस जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है 30 अगस्त को, कहा है कि हाजिर होइए। हालांकि मामन खान फिलहाल नोटिस मिलने की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला और बड़ा ये कि शोभा यात्रा पार्ट 2 टेंशन में फिर से नू है, कल क्या होगा? सवाल यह भी कि नू में फिर से निकलेगी यात्रा या भड़केगी हिंसा? सवाल यह भी कि बिना इजाजत यात्रा की जिद है, प्रशासन कितना तैयार है? सवाल यह भी कि 31 जुलाई को हिंसा, कल नू में क्या होगा, क्या यात्रा निकलेगी? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नवल किशोर दास जी वीएचपी के और संत समिति का हिस्सा है, डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, हाफिज नूर अहमद अजहरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नवल किशोर जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि जानकारी यह है कि आप भी शायद यात्रा का हिस्सा हैं, इस यात्रा को लीड करने वालों में आपका नाम है, इजाजत है नहीं उसके बावजूद यात्रा निकलेगी क्या? देखिए, हमने स्थानीय प्रशासन से बात की है और किसी प्रकार का कोई वहाँ कानून बिगड़े नहीं ऐसा ध्यान में रखते हुए हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कुछ संत वहाँ जाकर के जलाभिषेक करेंगे। हम किसी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम कोई उपद्रव नहीं करना चाहते। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आज आप कह रहे हैं यात्रा नहीं निकलेगी, कल आप कहेंगे मंदिर में आप आरती पूजा नहीं करेंगे, परसों आप कहेंगे हिंदू अब शादियों में बैंड नहीं बजाएगा, फिर आप कुछ और कहेंगे। भाई क्या है ये यात्रा, कोई नई तो नहीं निकल रही है, कोई हम किसी को परेशान करने को तो नहीं निकाल रहे हैं, पत्थर हमने तो नहीं मारे थे, गोलियां हमने तो नहीं चलाई थी। क्या इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी धार्मिक यात्रा में भी नहीं करने देंगे, आप उसमें भी प्रतिबंध लगा देंगे? क्या हो गया है? कल आप कहेंगे घर से नहीं निकलेंगे। तो कानून का नाम लेकर के अब भाई जिन्होंने दंगा किया है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, आपको उन्हें रोकना चाहिए। जो कानून का साथ दे रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ठीक है आप जितनी संख्या कहेंगे उतनी संख्या रख करके हम अपना पूजा करेंगे, हम अपनी धार्मिक कार्यक्रम पूरा करेंगे, अब आप हमको उपासना भी नहीं करने देंगे? नहीं नहीं, नवल किशोर दास जी मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यात्रा की इजाजत नहीं है, आप लोग अपने घरों के आसपास रहिए, आपका ये सवाल ठीक है कि इस तरीके की यात्रा पर रोक क्यों? सरकार पर जिम्मेदारी है कि जो असामाजिक तत्व है उनको काबू में करे, हिंसा ना हो, वो सवाल मैं आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर माहौल तनावपूर्ण है और अगर सरकार की ओर से ऐसा कहा जा रहा है, तो कितनी तादाद में, आपने कहा कि आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है, तो क्या बातचीत हुई है, कितनी संख्या में लोग सड़क पर रहेंगे, जरा वो जानकारी दीजिए। प्रशासन जितनी संख्या कहेगा और जिस तरह से कहेगा हम प्रशासन का पूरा साथ देंगे, परंतु प्रशासन को भी हमारी भावनाओं का सम्मान और आदर करना होगा। हम प्रशासन और कानून से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, परंतु आप ये कहेंगे कि हम कुछ करने ही नहीं देंगे, हम पूजा नहीं करने देंगे, वहां जाने नहीं देंगे, ये आपका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक, हम उसमें सहयोग तो करेंगे, परंतु आप हमको यात्रा नहीं करने देंगे, आप हमको अनुमति नहीं देंगे। हम कहां यात्रा अनुमति हम नहीं मांग रहे, बिल्कुल नहीं मांग रहे, हम केवल सूचना दे रहे हैं कि हम प्रतिवर्ष की तरह अपनी यात्रा करना चाहते हैं। हाँ, माहौल खराब न हो, व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए आप हमें बताइए कि हम कितनी संख्या में रहें, ठीक, आप वो आप हम आप ठीक तय कर देंगे, हम मान जाएंगे। ठीक, मान जी मैं आता हूँ, मान जी मैं आता हूँ आपके पास। सिद्धार्थ यादव, 31 जुलाई को सिस्टम सारे फेल हो गए थे, पत्थरबाजी हुई थी, गोलियां चली थी, वो तस्वीरें देखी थी, लोग डर गए थे कि यह हिंदुस्तान की तस्वीर है क्या, हरियाणा की एक जिले की तस्वीर, जहां पर मेवाती प्लांट पता नहीं कहां कहां से लिंक जुड़ गए, पाकिस्तान तक के तार जुड़ गए। तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी थी 31 जुलाई को, और कल भी किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप आश्वस्त करेंगे कल सब कुछ शांत रहेगा, और महंत जी की जो बात है यात्रा भी निकलेगी, संख्या भी दी जाएगी, क्या होगा कल? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, इसलिए हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है और हमारे संविधान का आर्टिकल 25 हमको राइट देता है कि जो भी अपनी कोई धार्मिक यात्रा या अपने धार्मिक
किसी भी विषय को प्रोफेस करना चाहता है तो उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो बैलेंस बनाना, वो सरकार का काम है और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार वहां पर है, हमारा प्रशासन जो है वो उस पर काम कर रहा है। हमारे डीजीपी स्तर की बैठकें इसमें चल रही हैं, हमने अन्य राज्यों से, आसपास के राज्यों से भी हमने उसमें मदद मांगी है, उनसे भी सहायता मांगी है। मेवात का जो रीजन है हम जानते हैं वो 3 राज्यों में बटा हुआ है, उसमें कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, कुछ राजस्थान का भी है और निश्चित रूप से कुछ हरियाणा में भी है। और इसीलिए कि सभी लोग मिलकर के हम वहां पर कैसे एक सामाजिक सौहार्द बन सके, ये हमारी प्राथमिकता है। सिद्धार्थ यादव, मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा की इजाजत नहीं है, नवल किशोर दास जी कह रहे हैं वो सड़क पर निकलेंगे, संख्या बता दीजिए। तो क्या संख्या बताकर नवल किशोर दास जी कल निकलते हैं, उन्हें रोका जाएगा या उन्हें निकलने दिया जाएगा? देखिए, ये हमारा बहुत पहले से हमारा एक स्टैंड है कि जो लोकल प्रशासन है नुहू का, वो लगातार यात्रा निकालने वाले जो हमारे संगठन हैं, जो लोकल लोग हैं वहां कर, जो हमारा समाज है, उनसे लगातार बातचीत कर रहा है और ये तय करना वहां पर हमारा लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम सुनिश्चित करेंगे। वहां पर किस प्रकार से कैसी यात्रा निकले जो सौहार्दपूर्ण हो और कोई भी प्रकार का असामाजिक तत्व किसी मतलब प्रकार सबको नहीं रोकेंगे, कुछ लोग निकलेंगे नहीं। ये देखिए, हमारा तो ये तय है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व या फिर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति वहां पर किसी प्रकार का उत्पीड़न ना कर सके, इसको हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे, यही कल होने वाला। ठीक है, अब हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, जो बातें महंत नवल किशोर दास जी ने कही कि भाई यात्रा अगर हिंदुस्तान में धार्मिक यात्रा तीर्थ यात्रा नहीं निकाल सकते हिंदू तो कहां जाएंगे, और अगर निकलती है तो क्या एक पत्थरबाजी करेगा जो 31 जुलाई को देखने को मिला था? राकेश पांडे जी, एक एक मिनट मुझे दे दें। नंबर एक तो ये बात है कि भारत में के किसी मुस्लिम संगठन या इस्लामिक संगठन ने इस यात्रा की आलोचना नहीं की है, विरोध नहीं किया है अभी तक, जैसा कि मेरी जानकारी में है। वो तो मुझे मालूम भी नहीं, जैसे मुझे अभी तक मुझे ये मालूम है कि किसी मुस्लिम संगठन ने ये नहीं कहा कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। नहीं, नहीं, हमारी जानकारी में भी यही है। ये सरकार की, हुकूमत की और वहां के जो डीजीपी हैं, वहां का पुलिस विभाग है, प्रशासन है, उसकी कायरता है जो वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? यात्रा निकलनी चाहिए, लेकिन उनको उनको चाहिए कि आपसी सौहार्द दोनों पक्षों में कैसे हो, उसको काबू में लाना चाहिए। पिछले दिनों क्या हुआ था, उससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने पिछले दिनों इजाजत दी थी, परमिशन दी थी, इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना घटी कि हालात वहां के बेकाबू थे। तो ये सब कहां से हुआ था, कैसे हुआ था, अभी तक साफ नहीं हुआ। घरों में बुलडोजर चला दिए, घर के घर कर दिए तबाह, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि उसका गुनाहगार कौन है। अभी तक ये नहीं आया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, सरकार की नाकामियों को, सरकार की विफलताओं को सुन ले। सरकार की विफलताओं को कुछ कह रहे हैं मुसलमानों सुनिए, आपका बुलडोजर का दर्द बाहर आ गया, क्यों आ गया, क्या दिक्कत है, मैं उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन जरा नवल किशोर दास जी आपसे कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी बताएं। मैं कह रहा हूं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, जो उग्रवादी हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनके घर पे फूल थोड़ी बरसाए जाएंगे, उनके कौन तय करेगा, ये कौन आप तय करेंगे, पुलिस तय करेगी कि ये आतंकवादी है, पत्थर मारेंगे, किसने उनके घर पे फूल थोड़ी चलेगा, फूल थोड़ी बरसाए जाएंगे, आपको पता क्या है, आपको क्या पता नहीं है, इसका मतलब पूरा नियोजित था, इसका मतलब नियोजित किया गया था पत्थर मारने के लिए, गोली चलाने के लिए। अब जो यात्रा पे पत्थर मारेंगे, गोली चलाएंगे, लठ चलाएंगे, आग लगाएंगे, उनके घर पर तो बिल्डो नहीं चलेगा, जो मंदिर में जाने के लिए रोकेंगे, जो शांत लोगों पर, जो भक्त लोग जा रहे हैं उनको पत्थर मारेंगे, उनके घर पे बिल्डो नहीं चलेगा, उन पर तो बिल्डो नहीं चलेगा, देश का हिंदू एक मिनट रुकिए, प्लीज अजहरी साहब, मैं अभी तक आपके स्टैंड की तारीफ कर रहा था, सुनिए अजहरी साहब, मैं अभी तक आपके स्टैंड की तारीफ कर रहा था, आपकी एक एक बात से सहमत था, लेकिन आपने फिर बीच में हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। आप अच्छा कह रहे थे कि यात्रा निकलनी चाहिए भाई, किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं आलोचना की है,
मैंने सेकंड क्या इस बात को, फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, तो यात्रा में कौन टारगेट किए जाते हैं? कोई भी होगा यात्रा में। मेरा आवाज कम नहीं होना चाहिए चैनल पर। अरे आजारी साहब, कोई किसी की आवाज नहीं कम कर रहा है, डिसिप्लिन में रहेगा तो हम किसी की आवाज कम नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा चैनल चलता है। सुनिए आजारी साहब, सुनिए, आपने कहा कि मुसलमान टारगेट किए गए, यात्रा निकली थी 21 जुलाई को, कौन टारगेट हुआ था, किसने यात्रा निकाली थी, किस पर पत्थरबाजी हुई थी? अरे पत्थरबाजी करने वाले कौन है, ये तय कौन करेगा? आप क्या करेंगे? अरे पुलिस ही तो जांच करेगी, और कौन करेगा आजारी साहब? पूछ रहा पुलिस नहीं, ये तय करेगी, अदालत तय करेगी। नहीं तो जांच कौन करेगी? पुलिस नहीं जांच करेगी, जो पत्थरबाजी करेगी पुलिस ने जांच करके अदालत चला है और चलेगा। हाँ तो पुलिस जांच कर रही है, इसमें तकलीफ क्या है? पुलिस सजा तो पहले दे दी, सजा तो पहले दे दी आपने। नहीं, जो गैर कानूनी रह रहा है उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे आप देश के नागरिक हैं, आपको कहना चाहिए गैर कानूनी तरीके से रहने वाले को सजा मिलनी चाहिए। फूल बरसाए जाएंगे क्या? चलिए मैं आता हूँ, ये बहस पुरानी है, ठीक है। अजारी साहब रुक जाइए, अजारी साहब रुक जाइए, दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं महंत नवल किशोर दास जी। ये बुलडोजर का दर्द पुराना है, कई बार ऊपर बातचीत हो चुकी है आपकी तरफ से, मोनू माने से आतंकवादी है, बोलिए आप। एक मिनट रुकिए, अरे सुनिए, यही तो दिक्कत है, सुनिए, अब सुनिए, क्यों लग रहा आपको? अजारी साहब सुनिए, जिस मोनू मानेसर का आप नाम ले रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, सुनिए ना भाई, सुनिए, सुना करिए, मेरे सामने फैक्ट पर बातचीत करिए। चंद्रमोहन शर्मा जी की पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, राजस्थान के डीजीपी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं है नासिर जुनैद की हत्या में, ठीक है, और उसी मोनू मानेसर के नाम पर, उसी मोनू मानेसर के आने के नाम पर 21 जुलाई को इतनी बड़ी हिंसा हो गई, तो ये बात मत किया करिए। चलिए चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कल की यात्रा को लेकर? रुक जाइए अजारी साहब रुक जाइए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कल को लेकर? चंद्रमोहन जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं पूछ रहा हूं, कल को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि वो यात्रा निकालना चाहते हैं, संख्या प्रशासन बता दे, आपको क्या लगता है, यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उसका इशारा आपका गलत जा रहा है। कल की यात्रा का जवाब कांग्रेस देगी या उस स्टेट के अंदर जो सरकार चला रही है डबल इंजन की, वो जवाब देगी कि वो यात्रा निकलवाना चाहती है या नहीं निकलवाना चाहती है? अरे मैंने आपसे आपकी राय पूछी भाई, सरकार को जो करना है वो करेगी। देश के अंदर सरकार भाजपा की है, आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। देश में सरकार भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, और वहां पर भाईचारा, अमन, सौहार्द खराब हुआ है, तो उसका जवाब कांग्रेस देगी, वहां पर सरकार नहीं देगी। खट्टर साहब लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नाकामी उनके सामने है, प्रशासन प्रतंत्र की फेलियर उनके सामने आया, खुफिया तंत्र ने रिपोर्ट दी कि पहले भी यात्रा नहीं होनी चाहिए, आज भी वर्ग कह रहे हैं कि यात्रा हो या ना हो, ये दोनों पार्टियों को, दोनों समुदायों को बिठा के बात करी जाए, ठीक। ये अभी चैनल में आपके डिस्कशन भी हुआ, इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या करेगा? अरे चंद्रमोहन जी, आपकी सारी बातें ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ, अरे सुनिए भाई, मुख्यमंत्री गृह, मैं मान रहा हूँ सवाल का जवाब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ। नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, संख्या प्रशासन बता दे, मैं पूछ रहा हूं आपकी सारी बातें, आरोप सब ठीक है, मैं उसको सेकंड करता हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी राय क्या है, यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक हिंदुस्तानी होने के नाते किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की कोई भी यात्रा देश के अंदर चलनी चाहिए, और उसको सुचारू तरीके से नाते बोलिए ना, कांग्रेस के नाते नहीं निकलनी चाहिए, स्टेट की सरकार उसके गृह मंत्री और उसके मुख्यमंत्री की होती है, मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो तालमेल बना के प्रशासन से, खुफिया तंत्र से तालमेल बना के दोनों समुदायों को फिर दोबारा नूर जैसी ऐसी ना हो घटना, उसके लिए तालमेल बनाए, ना कि स्टेटमेंट के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करिए, स्टेटमेंट के ऊपर। अरे आपकी पार्टी की भी तो कोई राय होगी शर्मा जी, नहीं है कोई राय, नहीं है आपकी पार्टी की, स्टैंड है, आप विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश में, कोई राय नहीं आपकी, या सिर्फ हिंसा ही भड़कानी है, या आपके विधायक विधानसभा में खड़े होकर के सिर्फ सरकार भड़काऊ भाषण ही देंगे और कोई काम नहीं करेंगे? एक धर्म की अनुयायी के अंदर
दूसरे आपके विधायक विधानसभा में खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे अगर डबल आप अपनी राय भी ना दे। अच्छा मामन खान को चंद्रमोहन जी दंगा हुआ चंद्रमोहन जी अच्छा मैं आता हूँ मामन खान पर सवाल पूछूंगा आपको मामन खान पर उससे पहले डॉक्टर दत्ता रुकिए कांग्रेस विपक्ष उससे पहले डॉक्टर दत्ता अभी तक आप भूले नहीं कि आप डॉक्टर दत्ता कल की यात्रा तो देश की जनता ने आपको चंद्रमोहन जी सीधे तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे यात्रा को लेकर अजहरी साहब उसी के बहाने उनका बुलडोजर का दर निकल कर सामने आ जा रहा है। जो जवाब आप मांगेंगे राकेश जी वो थोड़ा मैं दे दूंगा मैं वो जवाब दूंगा जो देश के हित में होगा वो जवाब दूंगा जो पार्टी हित का होगा मैं आपके हित का थोड़ा मतलब ये कहना कि यात्रा नहीं निकले कांग्रेस पार्टी के हित में डॉक्टर दत्ता कल क्या होगा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि कोई भी खंडित यात्रा अगर उसको पूरा ना किया जाए तो अशुभनीय होता है और अमंगल होता है और देश के लिए भी वो अमंगल होता है वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार को आंशिक रूप से परमिशन देना चाहिए कि कुछ लोग जाके ये खंडित यात्रा को पूरा करें ताकि देश के हित में हो और सबके लिए शुभ हो और पावन हो। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि पुख्ता इंतजाम बेशक किया गया है नूह को छावनी में बदला गया है यही छावनी अगर नूह में पहले की गई होती और यही छावनी अगर वहां का प्रशासन पहले किया होता तो नूह में ये नौबत नहीं आती। देर से सही पर कम से कम अब अच्छी तरह से सबक मिला है वहां के सरकार को और समझ में आया है चीजें। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि तमाम जितने सारे वहां पे आतंकवादी लोग आईएसआई से प्रेरित जितने सारे लोग लश्करे तोयबा अलकायदा से जितने सारे प्रभावित लोग जिन लोगों ने सरेआम वहां पे असला चलाया गोली चलाया अगजानी की पत्थरबाजी किए ऐसे लोगों के घर को तो चिन्हित करके बुलडोजर उस पे धर धर करके चलाना ही चाहिए और आवश्यक है। जो लोग इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं देश के विरोध में काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए कठोर कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। मेरा ये भी गुजारिश रहेगा हरियाणा सरकार से कि वहां का जो कांग्रेस का जो नू का जो स्थानीय विधायक है जिसके ऊपर संगीन आरोप लगा है दंगा को लेके उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। ठीक, ठीक। ये भी जरा जवाब दे आपकी बात पर दो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं डॉक्टर साहब बैठे हुए पहले फिर चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आता हूं जल्दी अपनी बात करिए। मोनू मानेसर को भूल गए भाई अरे फिर मोनू मानेसर की बात अरे मोनू मानेसर को पहले चंद्रमोहन जी से पूछिए उनके सरकार की सरकार के डीजीपी ने क्लीन चिट दे दिया वहाँ पे बेकार की बातें मत कीजिए बेकार की बातें मत कीजिए अरे हजारी साहब हजारी साहब फिर आप मुसलमान हिंदू की बात करने लगे अरे फिर आप हिंदू मुसलमान की बात करने लगे अरे चंद्रमोहन जी एक मिनट सिद्धार्थ चंद्रमोहन जी आप कुछ कह रहे थे और ये नहीं 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 ठीक है चंद्रमोहन जी बोलिए देखिए हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं दत्ता जी उन्होंने एक बात बोली कि नू के अंदर आतंकवादी और आईएसआई एजेंट जिनके विरुद्ध कार्रवाई और घर गिराया गया एक गंभीर आरोप उन्होंने सरकार की तरफ उठा के सारी उंगलियां कर दी कि डबल टाइम की सरकार के रहते हुए नू के अंदर आईएसआई एजेंट भी रह रहे थे और आतंकवादी भी रह रहे थे तो सरकार और प्रशासन सोया हुआ था। मुख्यमंत्री किस लिए अपनी छाती ठोक रहे थे डबल क्या उनको पता नहीं चल रहा था कि नू के अंदर जो लोग आपके आपने कहा है अभी ठीक मैं आता हूँ रुक जाइए इस पर जवाब लेता हूँ ऑथेंटिक रिप्लाई लेता हूँ रुक जाइए प्लीज चंद्रमोहन जी रुक जाइए डॉक्टर दत्ता जवाब दो इस बात डॉक्टर दत्ता रुक जाइए भाई सीधा जवाब ले रहा हूँ पास इन्फॉर्मेशन भी अरे इसके लिए ऑथेंटिकेट यहाँ पर सिद्धार्थ यादव रुक जाइए चंद्रमोहन जी आपको सिद्धार्थ लगता है राकेश जी आप जवाब आरोप लगाए हैं तो देखिए राकेश आरोप
तो भी कोई एक हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जिसमें शर्मा जी भी आते हैं, हजारिया साहब भी हैं, जो आके चिल्ला चीख मचाने लग जाते हैं कि आज कार्रवाई क्यों की जा रही है। अरे पहले की बात छोड़िए, आज गैर कानूनी घरों पर कार्रवाई की जा रही है, कानून के मुताबिक की जा रही है, संविधान के मुताबिक की जा रही है, तब आपको क्या समस्या है? उधर कोई कार्रवाई होती है, पता नहीं कौन सा बटन लगता है कि सिद्धार्थ यादव अरे रुक जाइए हजारी साहब, रुक जाइए प्लीज रोक जाइए। सिद्धार्थ क्या भरोसा देंगे कल हरियाणा सब कुछ शांत रहेगा, नूह शांत रहेगा, कल कोई हिंसा की एक छिटपुट घटना भी नहीं होने वाली है, आप क्या यकीन दिलाते? बिल्कुल राकेश जी, हमारी पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, पूरा प्रशासन एक नहीं, एक चीज को फिर क्यों मुस्तैद नहीं थी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, देखिए पहले की घटना तो क्या है, मेवात की जो अपनी एक हिस्ट्री रही है उसके कारण भी बहुत कुछ था। आज एक घटना हुई है, पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, प्रशासन बिल्कुल क्लोज वॉच रखे हुए है, इतने दिनों में भी, उस घटना के बाद भी जो कुख्यात अपराधी थे हमने बहुतों को तो मुठभेड़ में पकड़ा है, गोलियां चली है दोनों तरफों से, एनकाउंटर्स हुए उसके बाद हमने पकड़ा है, 100 से ऊपर एफआईआर हमने दर्ज करवाई, 200 से ऊपर लोग हमने डिटेन करे हैं, एक पूरा ऐसा वातावरण बनाया कि किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल इसमें ना आए। हमारे लिए विषय हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, हमारे लिए विषय है आपराधिक लोगों का। किसी में आप सबको रखता हूँ, वक्त इतना ही है सिद्धार्थ यादव, कल का भी दिन आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में रहेगी और फिर से 31 जुलाई रिपीट नहीं होगा हरियाणा में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।